अस्सलाम वालेकुम। ओके, वर्ल्ड क्लाइमेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट? वर्ल्ड क्लाइमेट इज दैट, वर्ल्ड क्लाइमेट किसे कहते हैं? वर्ल्ड क्लाइमेट वो होता है मतलब दुनिया का आबो हवा। क्लाइमेट की मीनिंग है आबो हवा, ठीक है? मतलब कि दुनिया भर में किस तरह का मौसम रहता है, दुनिया भर में जितने भी ममालिक हैं वहां पर किस तरह का मौसम रहता है, ठीक है? उसके अलावा जो है दुनिया भर में जो है वो हर जगह का, हर शहर का मौसम अलग है, तो वो किस तरह से होता है, ठीक है? हर जैसे पाकिस्तान के हर शहर का, हर मुल्क का मौसम अलग है, तो इसी तरह से दुनिया भर में जितने भी ममालिक हैं उन सब के शहर जो है वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है? शहर मुल्क सबका जो है वो क्या है, अलग अलग सिस्टम है। चले, नाउ वी हैव मूव टू योर, फर्स्ट ऑफ ऑल योर वर्ड मीनिंग्स, अल्फाज की मायने देखते हैं इस चैप्टर से। चले, इसका फर्स्ट वर्ड जो है वो क्या है, क्लाइमेट। क्लाइमेट की मीनिंग क्या होती है, आबो हवा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाइमेट? क्लाइमेट मींस आबो हवा, ठीक है? मतलब के मौसम कैसा रहता है, मौसम को कहते हैं आबो हवा। मतलब हवा किस किस्म की है हर शहर की, क्योंकि हर शहर में बेटा मतलब पानी का दबाव और हवा का प्रेशर हर शहर में चेंज होता है। देखिए आप पाकिस्तान, आप रहते हैं ही मुल्क में, लेकिन एक मुल्क में रहकर भी आपका क्या है, हर शहर का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट है। टेम्परेचर मतलब कि जो आपका टेम्परेचर, जैसे आपके जो ये आबी बुखारात होते हैं उसको कहते हैं। तो मतलब हर जगह के टेम्परेचर अलग होना, जैसे कि किसी शहर में बहुत ज्यादा गर्मी है, किसी शहर में बहुत ज्यादा सर्दी है, किसी शहर में नॉर्मल है मौसम, उसको आबो हवा कहा जाता है, मीन्स आपका क्लाइमेट। सेकेंड है आपकी वर्ड मीनिंग में रेनफॉल, बारिश का गिरना। रेनफॉल मीन्स बारिश का गिरना, मीन्स बारिश जो होती है। मतलब कोई मौसम ऐसे होते हैं जैसे कि अगस्त होता है, जुलाई अगस्त के जो मंथ्स हैं उसमें क्या होता है, उसमें बारिश होती है। किन शहरों में, जिन शहरों में उस मौसम में बताई गई होती है कि इन शहरों में या इन कंट्रीज में इन महीनों में बारिश होगी, उस बारिश को आप क्या कहते हैं, रेनफॉल, ठीक है? वाटर वेपर्स, पानी के बुखारात। पानी के बुखारात मतलब पानी जो है, जैसे समंदर में पानी है, बहुत सारा पानी है, दरिया में बहुत सारा पानी है, कहीं का भी पानी होता है, जब वो थोड़ा उसको हीट मिलती है, हीट से जब उसके अंदर धुआं पैदा होता है, मीन्स के अंदर धुआं आना शुरू होता है, तो उस धुएं, वो खाली धुआं गैस नहीं होती, वो गैस के उस गैस के अंदर, उस धुएं के अंदर क्या होती है, थोड़ी सी नमी होती है, उस नमी को क्या कहा जाता है, पानी के बुखारात। फोर्थ है आपका डिपेंड। डिपेंड मीन्स इन्हासार करना। इन्हासार मतलब ग्रासलैंड, मतलब घास वाली जमीन। आपने देखा होगा पाकिस्तान के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा घास होती है। घास मीन्स जैसे कि उनके घरों में घास नहीं होती है। घास का मतलब कि जिन जो जो जमीन ही घासदार होती है, मतलब कि घर के बाहर ग्रीनरी हो, घर के बाहर घास लगी हुई है, घर के बाहर छोटे छोटे से गार्डन बना लेते हैं लोग, क्यारियां बना लेते हैं, ठीक है, छोटी छोटी जिसमें पौधे वगैरह होते हैं। और इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान के अलावा भी खुद अपने शहर में भी, खुद अपने शहर से जो कच्ची आबादी होती है लाइक गांव वगैरह, विलेजेस वगैरह, वहां पर भी घास वाली जमीन, मतलब जहाँ पर ये
ये आपकी जो मतलब वेजिटेबल्स है वो उग सके उसको कहते हैं घास वाली जमीन, ठीक है, ग्रास लैंड। सिक्स वन इज आपका है पोल, पोल में कदम। Now we have moved to your question answer. What is climate change? मतलब मौसम का चेंज होना, आबो हवा का चेंज होना क्या होता है? Climate change is a change in climatic pattern of a region. Climate change जो है मतलब आबो हवा का चेंज होना जो है वो क्या होता है, आबो हवाई तरीके से अपने आप को वो चेंज करता रहता है। जैसे अभी हमारे यहाँ मौसम में क्या है, बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन जब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे कुछ मौसम की तरफ, जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो उसमें क्या हो जाता है, हमारे पास सर्दी आती है, तो आबो हवा का चेंज होना इसे कहते हैं। बट नाउ वी हैव मूव टू योर क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज अ ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ट्रैपिंग ऑफ हीट इनसाइड द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। ट्रैपिंग ऑफ हीट मतलब कि हीट का जो है वो दबाव, ठीक है, हीट का दबाव जो है इनसाइड द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अंदर हीट का दबाव जो है वो क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। नाउ वी हैव मूव टू क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट आर सम ऑफ फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट, ठीक है, वो मेन फैक्टर्स बताएं जिनका जो है असर अंदाज किस पर होता है, आपकी आबो हवा के ऊपर होता है। तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, टेम्परेचर आता है, ठीक है, उसके अलावा अमाउंट ऑफ रेनफॉल आता है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर आता है, और प्रेजेंस ऑफ हिल्स एंड माउंटेन्स ईटीसी। सबसे पहले आपका क्या आता है, टेम्परेचर आता है। टेम्परेचर किसको कहते हैं बेटा, जैसे मैंने आपको भी बताया जो आपके आबी बुखारात होते हैं, आबी बुखारात मतलब आपके जैसे दर्जा हरारत को टेम्परेचर कहा जाता है, असल में वर्ड टेम्परेचर का यही है, दर्जा हरारत, ठीक है, आपका दर्जा हरारत। जैसे कि हम अपने वेदर को चेक करते रहते हैं कि आज हमारा वेदर कितना है, आज हमारा वेदर कितना आ रहा है, ठीक है, वो हमारे पास एक मीटर होता है, या आजकल तो सेलफोन में भी ये सहूलत मौजूद है, उससे आप अपना टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अमाउंट ऑफ रेनफॉल, अमाउंट ऑफ रेनफॉल क्या होता है, मतलब किस जगह पर पानी किस हद में गिर रहा है आसमान से, मतलब बारिश का पानी किस हद तक किस तरह से गिर रहा है, किस किधर कहाँ पर आबो हवा के अंदर, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर मतलब कि जहाँ जहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक है, जहाँ जहाँ पर जैसे जो मौसम का हाल बता रहे होते हैं ना टीवी वगैरह पर, या फिर जो आपको मतलब आप न्यूज़पेपर्स में देखते हैं या अपने मोबाइल में चेक कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट कहलाती हैं। ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट में देखी जाती हैं, जैसे कि टेम्परेचर, दोबारा बता देती हूँ मैं आपको, टेम्परेचर का मतलब क्या है, दर्जा हरारत, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, बारिश का गिरना मतलब कितने तादाद में किस जगह पर बारिश हुई है, उसका उसका मतलब क्या नुकसान है, क्या फायदा है, ये सब हम अमाउंट ऑफ रेनफॉल में पढ़ते हैं। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर क्या होता है, वो ये होता है कि किस जगह पर कितनी गर्मी रही। जरूरी नहीं है कि आप किसी बर्तन में पानी डालकर और चूल्हे पर अगर आप रखें अपने स्टॉक पे और सिर्फ उसके जरिए ही जो है वो जब उसमें भाप बनती, पानी बॉयल होता है और भाप बनती है तो उसी से बादल बने, नहीं ऐसा नहीं होता। होता क्या है, वाटर वेपर जो है वो सिर्फ उबलते हुए पानी से नहीं, वो समंदर पर जब धूप, गहरी धूप पड़ रही होती है, तेज धूप सूरज की पड़ती है, तो उससे भी समंदर पे जो है वो धुएं उठते हैं आहिस्ता आहिस्ता, वो हमें बजाहिर नजर नहीं आते लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। इसी तरह से दरिया में भी होता है, इसी तरह से छोटी मोटी जो लहरें सॉरी नहर वगैरह होती है या झील वगैरह होती है उनमें भी होता है। प्रेजेंस ऑफ हिल्स एंड माउंटेन्स, अच्छा उसके अलावा जो है वो ये भी नोट किया जाता है, देखिए जिन एरियाज में हिल्स मतलब छोटी मोटी पहाड़ियां, ठीक है, और माउंटेन्स भी बहुत बड़े बड़े पहाड़, जिन जगहों पर ये इन चीजों की मौजूदगी होती है जैसे छोटी मोटी पहाड़ियां, बड़े बड़े पहाड़, तो उन इलाकों में क्या होता है, उन इलाकों में सर्दी होती है, ठीक है, उन इलाकों में बहुत ज्यादा गर्मी का प्रेशर नहीं हो पाता। उन इलाकों में बारिश का प्रेशर और सॉरी सर्दी का गर्मी का प्रेशर ज्यादा नहीं होता। चले एंड।
चले एक बार दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। वर्ल्ड क्लाइमेट आपका चैप्टर था, वर्ल्ड क्लाइमेट मीन्स आबो हवा, दुनिया की आबो हवा। ठीक है, जैसे कि हर शहर में मौसम अलग अलग होते हैं, इसी तरह से हर मुल्क का, हर शहर का टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है, मतलब आबो हवा चेंज होती है, क्लाइमेट चेंज होता है। ठीक है, इस चैप्टर में आप ये पढ़ रहे हैं और उसके बाद ये थोड़ा समराइज कर देती हूँ। क्लाइमेट मीन्स आबो हवा, जो मैंने अभी बताया था, रेनफॉल बारिश का गिरना या बारिश का होना, वाटर वेपर पानी पानी के बुखारात, डिपेंड इन्हासार करना, मतलब किसी पर डिपेंड करना मीन्स किसी पर आसरा करना। ठीक है, ग्रासलैंड घास वाली जमीन, कोल्ड खत्म। व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, मौसम का चेंज होना, आबो हवा का चेंज होना क्या होता है। क्लाइमेट चेंज इज अ चेंज इन क्लाइमेटिक पैटर्न ऑफ अ रीजन। आबो हवा का चेंज होना क्या होता है कि आबो हवाई तौर पर हर मुल्क हर कंट्री का अपने रीजन के अंदर चेंज होना क्या कहलाता है, क्लाइमेट चेंज। व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, ट्रैपिंग ऑफ हीट इनसाइड द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। व्हाट आर सम ऑफ फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट, कौन कौन से वो सब फैक्टर्स हैं जिनसे जो है वो इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट कहलाते हैं। जैसे वो उसमें है टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, प्रेजेंस ऑफ हिल्स एंड माउंटेन्स। टेम्परेचर, सबसे पहले टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर कहते हैं दर्जा हरारत को। अमाउंट ऑफ रेनफॉल मतलब पानी का गिरना, अमाउंट कि कहाँ कितना, किस तादाद में, किस शहर में बढ़ता है या किस शहर में जो है उसने कितनी उससे इफेक्ट हुआ है, कितना उससे जो है साइड इफेक्ट हुए हैं, ये सब हम अमाउंट ऑफ रेनफॉल में पढ़ते हैं। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर मतलब किस किस जगह पर कितना जो है वो आबी बुखारात को रिकॉर्ड किया गया है, उससे क्या क्या इफेक्ट्स हैं, उससे क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं। और दूसरा प्रेजेंस ऑफ हिल्स एंड माउंटेन्स, प्रेजेंस मतलब मौजूदगी, और किन शहरों में या किन मुल्कों में मौजूदगी पाई जाती है छोटी छोटी हिल्स, छोटी छोटी पहाड़ियों की और पहाड़ों की, और उनके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं। चैप्टर एक्सप्लेन हो चुका है, आपको कोई भी सवाल करना हो, कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।